कक्षा 6 के लिए पाठ नंबर 3 धातु परिचय क्रियाएं का अध्ययन करेंगे। देखिए धातु परिचय में आपकी धातुएं होती हैं, उनको हम क्रियाएं बोलते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ठीक है। पढ़ने को पठ बोलते हैं, लिखने को लिख बोलते हैं, संस्कृत भाषा में बोलने को बद बोलते हैं। पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल। और इसके रूप कैसे चलेंगे, देखिए पुरुष आपके कितने होते हैं संस्कृत भाषा में, 3, प्रथम, मध्यम, उत्तम, जैसे हम पहले के पाठों में पढ़ चुके हैं, वचन, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपके रूप कैसे चलेंगे, पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पठसी, पठ्य, पठ्य, पठामी, पठावे, पठामे। अब इनका अर्थ क्या होगा, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वर्तमान काल है। इसलिए देखिए पढ़सी, तुम पढ़ते हो, इसका जो कर्ता होगा, इसका कर्ता होगा स, और इसका कर्ता होगा तउ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब, ठीक है, ते मतलब वे सब, और तुम मतलब तुम, मध्यम पुरुष का कर्ता क्या होगा, तुम मतलब तुम, युवा मतलब क्या होता है, तुम दो, युवा मतलब क्या होता है, तुम दो, युयम मतलब होता है तुम सब, ठीक है। इसका कर्ता होगा अहम, पठामी, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। एक वचन का आवा मतलब हम दो पढ़ते हैं, ठीक है, आवा मतलब क्या होता है, हम दो, और वयम मतलब क्या होता है, हम सब पढ़ते हैं। अब अर्थ कैसे निकालेंगे, सह पढ़ती, वह पढ़ता है, तव पढ़ते, वेदो पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, त्वम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ते, तुम दो पढ़ते हो, युयम पढ़ते, तुम सब पढ़ते हो, आम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, अवाम पठावे, हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। देखिए इसको स्पष्ट लिख देते हैं, देखिए अब देखिए आप, अब यहाँ पर जो धातुएं चैप्टर है आपका धातु परिचय, देख लेकिन अपनी धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अपरिवर्तनीय धातु और दूसरी होती है परिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातु वो होती है जिनके रूप जो हम धातु होती है उसी के अनुसार रूप बनाते हैं, जैसे पट है तो पटती, पढ़ते, पठंती, इस तरीके से बनाए, लिख है तो लिखती, लिखते, लिखंती। लेकिन इनके जो रूप चलते हैं परिवर्तनीय धातुओं के रूप चेंज हो जाते हैं, जैसे भू का भव, भू का भव, भव मीन्स होता है होना, तो रूप कैसे चलेंगे, भक्ति, भक्ते, भवंती, क्योंकि भू की तरह नहीं चल रहे हैं क्योंकि परिवर्तनीय धातु है, इसलिए परिवर्तन हो गया इसका रूप। गम, गम के रूप चलेंगे गच की तरह, गचती, गचते, गचंती, गचती, गचते, गचते, गचामी, गचावे, गचामे। अब आइए अपना पाठ, आपका पाठ पढ़ते हैं, आप अपना पाठ को ओपन कीजिए, पाठ नंबर 3 धातु परिचय स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, आप अपनी बुक में देखोगे। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, खाना, पीना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है और इन क्रियाओं के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे परिवर्तनीय धातु में आपके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पठ एक धातु है जिसका अर्थ है पढ़ना और इनके विभिन्न रूप है पठती, पठते, पठंती। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। काल तथा अवस्था के अनुसार संस्कृत में 10 लकार होते हैं। विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में केवल लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष के धातु रूपों पर विचार किया जा रहा है। अब नीचे पठ यानी पढ़ना धातु, लट लकार वर्तमान काल धातु रूप दिए गए हैं। जिस तरीके से ये दिया गया है ये आपके पाठ में धातु और धातु रूप। अब देखिए संस्कृत में 2 प्रकार की धातु होती है, मैंने आपको समझाया संस्कृत में कितने प्रकार की धातु होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अपरिवर्तनीय धातु और एक होती है परिवर्तनीय धातु। अब अपरिवर्तनीय धातु कौन सी है, पट, पढ़ना, इसके रूप पढ़ती, पढ़ते, पढ़ंती, एक वचन में बना है, लिख, लिखती, लिखते, लिखंती, देखिए प्रथम पुरुष के ही इसमें रूप दिए गए हैं। हंस, हंसना, हंसती, हंसते, हंसंती, क्रीड, खेलना, कीर्ति, कीर्ते, कीड़ंती, खाद, खाना, खादती, खादते, खादंती, चल, चलना, चलती, चलते, चलंती, बज, बजना, भजती, भजते, भजंती, खेल, खेलना, खेलती, खेलते, खेलंती, बद, बोलना, बदती, बदते, बदंती, चर, चलना, चरती, चरते, चरंती, खोद, खद मतलब होता है खोदना, खनती, खनते, खनंती, पच मतलब पकाना, पचती, पचते, पचंती, भ्रम मतलब क्या होता है घूमना, भ्रमती, भ्रमते, भ्रमंती। अब देखिए परिवर्तनीय धातु कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया भू मतलब भव, जिनका रूप जब हम बनाते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है, उनका जो क्या मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम परिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे भू भव मूल रूप में परिवर्तन हो गया, भव हो गया, भक्ति, भक्ते, भवंती, गम, गच्छ, जाना मूल परिवर्तन रूप हुआ, गच्छती, गच्छते, गच्छंती, त्र, तैरना, तरती, तरते, तरंती, त्रय की जगह क्या हो गया तर, स्था, बैठना, तिष्ठ हो गया इसका, तिष्ठती, तिष्ठते, तिष्ठंती, ग्रास, सूंघना, जिगृती, जिगृते, जिगृंती, पापी ना, पीती, पीते, पीवंती,
दृश्य पश्य देखना, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, द यच्च यच्छति यच्छते यच्छन्ति, नृत नृत का रूप चलेंगे, नृत्य की तरह नृत्यति नृत्यते नृत्यन्ति। इस तरीके से आपके लट लकार वर्तमान काल के रूप इस तरीके से चलते हैं। दो प्रकार की धातुएं होती हैं, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम इसके अभ्यास कार्य का रिविजन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू।